10% ये हमारा हमेशा से स्टाइल रहेगा 10+5, इससे पता चल जाएगा कि 10 रुपए का पेज पे जो 5 रुपए हमने प्रीमियम कलेक्ट करना है इसमें। ओके अमाउंट वॉज कॉल्ड अप एज अंडर ऑन एप्लीकेशन ₹4 पर शेयर, सो रेडमी राइट डाउन ₹4, ऑन अलॉटमेंट ₹8 पर शेयर, लेकिन उन्होंने बोल दिया इंक्लूडिंग प्रीमियम। हमेशा याद रखो जैसे भी मैं यहाँ पे ब्रैकेट करके इंक्लूडिंग प्रीमियम ऐसा नहीं लिखूंगा, मैं ब्रैकेट करके कुछ ऐसा प्रेजेंटेशन दूंगा 3+5। एंड हमारा हमेशा से श्योर रहता है कि जो पहला है वो फेस वैल्यू है, दूसरा है वो प्रीमियम ही है, क्योंकि यहाँ पे भी वही स्टाइल है ना, पहला है वो फेस वैल्यू, दूसरा है वो प्रीमियम है। ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग लिख रहे हैं, तो हम लोग वी विल कीप इट स्टैंडर्डाइज्ड। 3+5 ही लिखे हम लोग हर बार, 5+3 नहीं लिखेंगे, बिकॉज इट विल हैव डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, करेक्ट। फिर कॉल में कितने मंगवाए हैं, फाइनल कॉल के अंदर एक ही कॉल है ₹3। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर, शैल आई राइट डाउन ओवर हियर, आप लोगों को भाई जगह सारी फिक्स हो गई है ना, 3,50,000 शेयर्स। एक्सेस एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड एंड मनी पेड थereon वाज रिफंडेड टू एप्लीकेंट्स, वी नो दैट। ऑल द सम्स ड्यू वर रिसीव्ड इन फुल एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल ऑन 3,000 शेयर्स हेल्ड बाय व्होमसोएवर, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन शॉर्ट अलॉटमेंट एंड कॉल में हमें कितने पैसे नहीं मिले, 3,000 शेयर्स पे पैसे नहीं मिले। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, सी दिस इज समथिंग बेस्ट विच आई कैन टेल यू सम, यहाँ पे आप लोग लिख दोगे ना उसके बाद मुझे टेक्स्ट बुक में वापस नहीं जाना है। एंड बिलीव मी अभी कॉम्प्लिकेशन शुरू ही नहीं हुए फोर फीचर वगैरह, लेकिन वो भी जब आएगा ना तब तो हमारा यही वाला स्टाइल हमें काम लगेगा, तो तब तक में हम लोग इससे फेमिलियर हो जाएंगे, ठीक है। लेट अस सी, चलो सबसे पहला काम क्या होगा, एप्लीकेशन के पैसे आएंगे, ध्यान यहाँ पे सबका, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फ्रेंड्स एप्लीकेशन कितनी मिली है, 3,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 रुपए, 40,000। सेकंड क्या होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फ्रेंड्स एक बात तो श्योर है कि मैं ये एप्लीकेशन अकाउंट बंद करूंगा, एंड टू एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करके कहां पे डाल देंगे, बैंक के अंदर डाल देंगे, पैसा पैसा भी नहीं इशू अपने। प्लीज चेक, मुझे 3,00,000 शेयर इश्यू करने हैं, सो 3,00,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 रुपए, इसको मैं पार्टनर बनाऊंगा, और बाकी के 50,000 शेयर मल्टीप्लाइड बाय 4 रुपए, तो 2,00,000 रुपए हम लोग क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। इज इट फाइन विद एवरीवन? ओके नाउ टाइम हैज कम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टू बी डन इन द केस ऑफ प्रीमियम। अगर किसी सम के अंदर प्रीमियम है तो हमारा वे ऑफ सॉल्विंग द एग्जांपल क्या होगा, लेट मी टेल यू। अगर किसी भी सम के अंदर प्रीमियम है तो आपको टर्न बाय टर्न 2 क्वेश्चन पूछने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कौन से लेवल में प्रीमियम है। सी इन दिस एग्जांपल देयर आर 3 लेवल्स, एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल। कभी कभी क्या होता है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, इन शॉर्ट 3 या 4 लेवल। इन शॉर्ट पहला क्वेश्चन ये पूछना है कौन से लेवल में प्रीमियम है, आपका क्या आंसर है। सेकंड से अच्छा है वी विल यूज द वर्ड अलॉटमेंट वाले लेवल में प्रीमियम है, समझ में आ रहा है, अलॉटमेंट वाले लेवल में प्रीमियम है। दूसरा क्वेश्चन, अलॉटमेंट वाले लेवल में हमेशा 2 एंट्री होती है, एक होती है कैपिटल वाली एंट्री और दूसरी होती है बैंक वाली एंट्री। आप जानते हो हर एक लेवल में, चाहे लेवल एप्लीकेशन हो या अलॉटमेंट हो या कॉल हो, हर एक लेवल में 2 एंट्री होती है, एक होती है कैपिटल वाली और एक होती है बैंक वाली। आई एम वेरी श्योर इन यूजिंग द वर्ड्स आई एम स्पीकिंग, एक होती है कैपिटल वाली और एक होती है बैंक वाली। आई एम नॉट स्पीकिंग पहली एंट्री होती है कैपिटल वाली या दूसरी होती है बैंक वाली, वाई, बिकॉज आपको पता है वो सीक्वेंस चेंज हो जाता है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के स्टेज में। सो कैन आई यूज द वर्ड सेफली कि एक एंट्री होती है कैपिटल वाली और एक एंट्री होती है बैंक वाली। आर यू ऑल श्योर अबाउट इट, आपको उसमें से कैपिटल वाली एंट्री पिक कर दी है, एंड समझ लो प्रीमियम हमारा एडिशनल इनकम है, हम कंपनी है तो प्रीमियम यानी एक्स्ट्रा रुपए मिल रहे थे, एडिशनल इनकम है तो प्रीमियम हमेशा क्या होगा, फिर से एक बार, किसी भी एग्जाम्पल के अंदर प्रीमियम आता है तो सबसे पहला क्वेश्चन वो कौन से लेवल में है, तो वो हमने डिसाइड कर लिया वो अलॉटमेंट लेवल के अंदर है, बराबर, कोई भी लेवल में हो सकता है, वो अलॉटमेंट लेवल के अंदर है। तो अलॉटमेंट लेवल के अंदर 2 एंट्रीज होती है, अलॉटमेंट नहीं कोई भी लेवल में एंट्रीज तो 2 ही होती है, एक बैंक वाली एक कैपिटल वाली। उसमें से फ्रेंड्स ऑलवेज रिमेंबर, कैपिटल वाली एंट्री सिलेक्ट करो और उसमें प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट कर दो, खत्म हो गई बात।
कैपिटल वाली एंट्री सिलेक्ट करो और उसमें प्रीमियम अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। आई एम शोइंग यू प्रैक्टिकली, आप मुझे बताओ नॉर्मल केसेस में, मान लो अगर प्रीमियम नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, तो आपकी थर्ड एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बोलो ऐसी एंट्री होगी कि नहीं होगी? तो आप अपनी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, आपको मैंने जो इंस्ट्रक्शन दी उसको फॉलो करो। मैंने क्या बोला, जहां पे कैपिटल वाली एंट्री आती है वहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम या तो प्रीमियम वर्ड भी क्रेडिट करो। बोलो कर सकते हैं नहीं कर सकते? पहले लेवल डिसाइड करो, लेवल डिसाइड हो जाने के बाद कैपिटल वाली एंट्री फाइंड करो और वो कैपिटल वाली एंट्री के साथ साथ प्रीमियम को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। नाउ थिंग्स आर वेरी इजी, आई एम शोइंग यू कैसे। 3 लाख शेयर फ्रेंड्स, उसमें से कहने से 3 रुपए फेस वैल्यू वाले हैं तो उसको मैं अभी कैपिटल में डाल दूंगा, और 3 लाख शेयर है उसमें 5 रुपए प्रीमियम वाले हैं तो 15 लाख यहाँ पे रहेंगे। एंड कहने से टोटल अलॉटमेंट में कितने रुपए हैं? 8 रुपए है। आर यू ऑल श्योर अबाउट दिस? सिंपल से दो बातें, पहले तो कौन से लेवल में प्रीमियम है और दूसरा उस लेवल की कैपिटल वाली एंट्री पकड़ के उसमें प्रीमियम को क्रेडिट कर दो, खत्म हो गई बात, और कुछ हो ही नहीं सकता इसे। बराबर है? नाउ सम विल बिकम नॉर्मल, आई एम शोइंग यू कैसे नॉर्मल हो जाता है सम। 4th मंथ हमें क्या करना है, अलॉटमेंट के पैसे रिसीव करने हैं टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। क्या लगता है अलॉटमेंट में सारे पैसे मिल गए नहीं मिले? कोई तो डिफॉल्टर है, यस मुझे टिक मार्क दिख रहा है और टिक मार्क इंडिकेट करता है यहाँ पे कोई तो डिफॉल्टर है। तो ध्यान यहाँ पे, 3 लाख शेयर पे मैंने मंगवाए थे उसमें से 3000 शेयर पे नहीं मिले, क्या इसे 297 पे मिल गए कितने? 8 रुपए। हमने पब्लिक से कितने मंगवाए थे? 8 रुपए मंगवाए थे ना, इंक्लूडिंग प्रीमियम हो या कुछ भी हो, हमने तो 8 मंगवाए थे। 8 मतलब कितना हो जाएगा? 23 लाख 76,000। परफेक्ट, लेट्स मूव टू 5th एंट्री, इक्विटी शेयर कॉल। अब तो नॉर्मल हो गया ना सब टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अब इसमें कोई चेंज नहीं प्रीमियम की वजह से, जिस लेवल में होता है उसमें ही चेंजेस होते हैं। 3 रुपए के हिसाब से मैंने 9 लाख रुपीज कॉल कर लिए है। अब देखना यह है कि बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कॉल, लोगों ने क्या किया, 3 लाख में से 3000 शेयर पे पैसे नहीं दिए, so we have got 2,97,000 multiplied by 3 rupees, 891,000 and 8,91,000. Is it done? It was a very simple example.